होता है क्या, कहीं दरबारी होता है? नहीं होता है तभी ना। हाँ होता है, ये हम कैसे बताएं? आप रिपोर्टर है तो पता कीजिए कहाँ होता है कैसे होता है, ये आप लोग को आप नेता हैं तो आपको पता नहीं है क्षेत्र के बारे में? आपको पता नहीं? हमको पता है। मैंने आपको आपको लगता है कि विधायक जी अहंकारी हैं? बहुत है। ऐसे आपको नहीं लगता है? हमारे हमको तो लगता है कि सेवा करते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों का विकास करते हैं, दुख सुख में जाते हैं। कहाँ दुख सुख में जाते हैं? लड़का लड़की पढ़ने, IIT कॉलेज नहीं खुलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए। एक लाइट लग गया वहाँ, सारे लोग वहाँ पर जाकर आरती गाए। मैंने वो विकास नहीं है आपके कहने ये छोटा मोटा विकास हुआ, करना है तो कुछ बड़ा कीजिए। तो कुछ तो दीजिए, 10 में से अभी तो कुछ नहीं दे सकते, यानी जीरो जीरो 10 में से 0 काम किए हैं। क्योंकि जो जिस इंसान के अंदर टैलेंट हो लेकिन अहम आ जाए उसको एक भी अंक नहीं मिलना चाहिए। अगर चुनाव लड़ेंगे तो सदस्यता की जरूरत है ना, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तभी ना लड़ेंगे कि टिकट ऐसे मतलब बना लेना है कि कांग्रेस का नहीं लिया हो ऐसे बना लेना? नहीं ज्वाइन करेंगे हम आपको पहले। मैंने आप चाहती क्या है? जो महिला से हम हारे हैं, जो जिला पार्षद से हम हारे हैं, उनका इंटरव्यू आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? क्या वजह है कि नहीं लेते हैं? हम जैसे भी हैं, हम बैसाखी का सहारा नहीं लेते। खाली मेवा खाने के लिए लोग आएगा, सेवा करने के लिए नहीं? क्यों नहीं आएगा? कहाँ नहीं आ रहा है? तो कितना दिन हुआ उनको चुनाव लड़े हुए? जो लड़ेगा उसका सपोर्ट करेंगे, अगर जीत गए तो। आप जीत जाएंगे तो छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। हार गए तो? हार गए तो कुछ ना कुछ तो सेवा में लगे रहना है, छोड़ेंगे तो नहीं। जिला परिषद की बात? हाँ तो लड़ेंगे। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी सिवान जिले के गोरिया कोठी प्रखंड के गोरिया कोठी में है, और हमारे बगल में जो महिला बैठी हैं ये पर्चे की मोहताज नहीं है। अपनी बातों को लेकर और अपने सवालों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, और आए दिन इनका जो ट्वीट होता है फेसबुक के माध्यम हो या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को मुखरता होकर रखती हैं। तो देर न करते हुए हम बातचीत करेंगे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये ज्योति सिंह वही हैं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या को छोड़ करके गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट पर। बात करेंगे और सवालों का बहुत तात है हमारे पास, एक एक सवाल आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा दीपावली और होली का बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं। कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। आजकल बहुत चर्चा में आपका चल रहा है कि आप बहुत चर्चा में हैं कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके मैटर में तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक होली समारोह हमारे द्वार पे होने वाला है, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पार्टी कौन सा होगा? हम पार्टी के बारे में अभी आपको नहीं बता सकते, सस्पेंशन। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है जनता का कि आप कभी जनसुराज में चली जाती हैं और जो आपके पति हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, तो ये जो दुविधा है इसमें मतलब सस्पेंस क्यों? ये सस्पेंस कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ जनसुराज में हम उससे हम इस्तीफा लेने वाले हैं, जनसुराज को त्याग देने वाले, त्याग देने वाले हैं। हाँ हमारा सपना है कि अगर कांग्रेस से हमको टिकट मिलेगा तो जिला परिषद का चुनाव लड़ा। आप ना क्षेत्र में दिखती हैं ना किसी के दुख सुख में दिखती हैं, तो आपको कैसे मतलब लोग विश्वास करेंगे कि नहीं ये सदन में जाकर हमारी बातों को? आपको हम पहले भी इंटरव्यू में बता चुके हैं कि हम मतलब किस वजह से अभी निकले, अभी हमारे पास कोई तो रीजन नहीं है निकलने का। जब जनता मैंने आपको ताज पहनाएगी तभी निकलिएगा? नहीं निकलेंगे, ऐसी बात थोड़ी है कि जनता हमको ताज पहनाएगी तो निकलेंगे। निकलने का कोई मतलब रीजन चाहिए ना, अभी मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है। सेवा करने के लिए रीजन की जरूरत? तो सेवा करते हैं, हम बोले नहीं कि हम नहीं करते, हमारे पति करते हैं ना। हम यार ये बात पहले भी इंटरव्यू में आपको बता चुके हैं, अभी भी यही बात कर रहे हैं। महिला एक आपको उम्मीद की तरफ देखती है, आपके तरफ वो देखती है कि एक महिलाओं की आवाज बनेगी ज्योति सिंह, और ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के समय में आवाज बनती है उसके बाद गायब हो जाती है, सवाल तो ये ना है मैडम? तो ठीक है हम गायब हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, मौका हमको नहीं मान रही हैं कि आप गायब? हाँ गायब हुए थे, कहीं दूसरे जगह नहीं थे, यहीं पे थे। जो लोग हमारे घर पे आ रहे थे उनकी हम सेवा कर रहे थे ना। क्षेत्र में हमको निकलने का कोई मतलब वैसा रीजन नहीं दिखा तो हम नहीं निकले। तो निकलेंगे, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं निकलेंगे, महिलाओं का सेवा करना है तो करना है, बात खत्म। मैडम मेरा सवाल है कि आकाश सिंह चुनाव लड़े और उनकी हार मिली, आप चुनाव मैदान में उतर रही हैं, क्या वजह थी कि आकाश सिंह को चुनाव यहाँ से हार गए, वो भी काफी अंतराल में देखा गया कि उनका चुनाव हारे, क्या वजह क्या थी?
वजह थी हमारे ही कुछ क्षेत्र के, बोले नहीं कि कुछ हमारे ही क्षेत्र के ऐसे विभीषण थे जो उनको हराए गए, विभीषण थे जो उनको मतलब चुनाव हराए, हारे नहीं, एक 30-32 साल की युवा जो उनके अंदर शुरू से ही राजनीति भरी हुई थी, क्या कमी थी उनमें आप ही बताइए, कमी क्या आपको लग रही थी कि युवा थे पढ़े लिखे थे एक अच्छे अभिनेता के लिए क्या चाहिए? आपको कमी उनमें नहीं दिखती? नहीं दिखती है हमको कमी तो कुछ भी नहीं। मैडम चुनाव बीत गया, हार गए, उसके बाद नजर नहीं आ रहे हैं, उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है, लोग खोज रहे हैं कि आखिर आकाश सिंह चले गए तो कहाँ चले गए, और वो भी 4.5 लाख लमसम वोट लेकर आए हैं मैडम, 4.5 लाख लोगों ने उन पर विश्वास किया और वो अपना मुख का दर्शन भी नहीं करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है ना मैडम। ठीक है, सवाल बनता है लोगों का, अच्छा सवाल बनता है, गलत सवाल नहीं बनता है, तो कुछ मतलब ऐसी बात है कि किसी वजह से नहीं आ पाए, उनको भी अच्छा नहीं लगा कि क्षेत्र मतलब क्षेत्र मतलब आपको अच्छा लगेगा कुछ दिन के लिए वो रिलैक्स होगा, ऐसे बात नहीं है कि क्षेत्र में वो नहीं आएंगे, लंच नहीं करेंगे, खाली मेवा खाने के लिए लोग आएगा, सेवा करने के लिए नहीं, क्यों नहीं आएगा, कहा नहीं आ रहा है, तो कितना दिन हुआ उनको चुनाव लड़े हुए, कहाँ टाइम ही हुआ है, 2-4 मंथ हुआ है, डिप्रेशन की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स में चले गए हैं, आएंगे, आएंगे क्यों नहीं, उनके पिताजी अभी बनियापुर में आए थे ना, वो तो आए थे, वो भी आएंगे, ऐसा तो बात नहीं है, अभी चुनाव होने में 5 साल टाइम है, 5 साल सेवा करने में टाइम उनको ले, 2-4 समानते डिप्रेशन की वजह से किसी वजह से चले गए हैं। अच्छा ज्योति सिंह जी, अगर आपको कांग्रेस आप पर दाव खेलती है, आपको टिकट देती है, क्या मुद्दा रहेगा चुनावी मुद्दा कि आप गुड़ियाकोटी विधानसभा में जाइएगा, लोगों से वोट मांगिएगा, कौन सा मुद्दा? पहला मेरा मुद्दा तो यही है कि विधायक के द्वार हमारे आवाम कोई भी नहीं आ सकता है, आपके द्वार पर कोई नहीं आएगा, हम जाएंगे, विधायक जाएगा उनके द्वार पे, जहाँ ये जो महफिल विधायक के द्वार पे लगती है, मजमा लगता है, महफिल लगता है, मेरे द्वार पे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको जहाँ जाना होगा उनके द्वार पे जाएंगे हम, वहाँ मजमा लगना होगा, आप वहाँ पर खुद जाइएगा दरबारी करने, खुद जाएंगे, आपके यहाँ दरबारी नहीं करेगा, नहीं कोई नहीं करेगा, कोई जो तो ऐसा होता है क्या, कहीं दरबारी होता है? नहीं होता है तभी ना, कहाँ होता है ये हम कैसे बताएं, आप रिपोर्टर है तो पता कीजिए कहाँ होता है कैसे होता है, ये आप लोगों को, आप नेता हैं तो आपको पता नहीं है क्षेत्र के बारे में, आपको पता नहीं? हमको पता है, ऐसा बात नहीं, तभी हम बोले ये बात, हमको पता है तभी बोले, आप पता, आपको लगता है कि लोग दरबारी करने जाता है? बिल्कुल करने जाता है, ये तभी तो बोल रहे हैं ना, आप जाइएगा तो दरबारी नहीं होगा, हम जाएंगे उन लोग के द्वार पे, आप जाइएगा, हम जाएंगे, खासकर मेरा एक सोच है, ये मेरी सोच है, और लोग की सोच तो नहीं बता सकते, कि खासकर लड़कियों के बारे में हम सोचे हैं, कुछ ऐसा कुछ है जो हम आपको बाद में बताएंगे, और जो बताएंगे बहुत अच्छा ही होगा, लड़कियों के बारे में आपने सोच लिया है? सोच लिया है। अच्छा मैडम एक सवाल है, लड़कियों की और महिलाओं की जब बात कर रहे हैं, तो शराब को लेकर के काफी महिला भी उसमें देखा गया कि शराब पीकर उनका देहांत हो गया, अभी फिलहाल यही की बात है, भगवानपुर हाट की, और जो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि शराब बंद है, क्या कहिएगा उनके बारे में? हम तो कहेंगे कि देखिए लड़ाई करे तो चोरा छुपा ना करके खुलेआम करें, या तो पूरी रूप से बंद कर दे, इस पे कार्रवाई करें, सरकार तो कह रही है कि पूर्ण रूप से बंद है, कहाँ बंद है, बंद होती तो मिलती, या खुलेआम कर शराब मिल रहा है, पी कर ही मर जाए, शराब मिल रहा है, ये आपको नहीं पता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कहाँ से लोग पी पी कर मर रहे हैं, नीतीश कुमार जी तो कहते हैं नहीं मिल रहा है, तो उनसे पूछिए ना कि कहाँ से लोग पी कर मर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमसे करने से पहले उनसे आप लोग कीजिए कि कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से लोग पी रहे हैं, कहाँ से मर रहे हैं, कहाँ से मर रहे हैं बताइए, जिसके घर के लोग मर गए वो ला कर देंगे, झूठ मूठ का बोल दिए कि शराबबंदी है शराबबंदी है। अच्छा सवाल एक और है मैडम, कि लोग ये पूछ रहा है, मेरा सवाल नहीं है, जनता पूछ रही है कि ज्योति सिंह कह रही है कि कांग्रेस के टिकट पर हम चुनाव लड़ेंगे, और सदस्यता उदस्यता है आपके पास, ज्वाइन वाइन की है क्या, जो राहुल गांधी के साथ घूमता है उनके पास सदस्यता ही रहती है, हमारे भी पति आकाश जी के साथ उनके पिताजी के साथ अक्सर घूमते हैं रहते हैं, तो क्या उनके पास सदस्यता ही है, घूमना फिरना बैठना मतलब आप लोग क्या सोच लेते हैं, कभी कभी हम किसी किसी के सोच पर मतलब सोच की बात नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टी में अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो सदस्यता की जरूरत है ना, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तभी ना लड़ेंगे, कि टिकट ऐसे मतलब बना लेना है कि कांग्रेस का नहीं लिया हो ऐसे बना लेना, नहीं ज्वाइन करेंगे, हम आपको पहले भी एक बार बोले है ना कि हम जन स्वराज में थे वहाँ से जन स्वराज अब छोड़ देंगे हम, पक्का छोड़ देंगे, अब जाएंगे कांग्रेस में जी। अच्छा ये औपचारिक ऐलान कब होगा विधानसभा का, कब चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, कब बताएंगे लोग?
होली हम बोले थे कि होली मिलन समारोह के बाद हम बताएंगे आपको, उस समय आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अभी अधी अधूरी जानकारी आपको सभी चीज में मिल सकती है। यानी मन आपने बना लिया है कि चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मन बनाए हैं, लेकिन पूरी तरह से आपको जानकारी मिलेगी जब हमारे द्वार पर कार्यक्रम होगा होली के बाद। होली के बाद असल मैडम, आप जिला परिषद के चुनाव लड़ी थी, जिसमें एक आपका वाक्य बहुत काफी तेजी से वायरल हुआ था। आपने बोला कि ऐसे लोगों को अपना चुन लें कि शौचालय के जगह सचिवालय बोल दे, लेकिन शौचालय अभी तक गुड़िया कोठी में बना नहीं और ज्योतिष सिंह का एक भी टिप्पणी बात सामने नहीं आया जनता की। तो इसमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हम जीते होते तो बनाते, जो जीता है उनसे पूछना चाहिए था ना आपको कि क्या हो रहा है। आप नहीं पूछिएगा, हमको जिस दिन पूछना होगा हम पूरे समाज के सामने पूछेंगे। हम उस जो महिला से हम हारे हैं उस महिला से पूछेंगे, वो तो आपका भी बनता है ना, लेकिन आप लोग नहीं ये काम करते। बिल्कुल हम पूछे कब, हम तो इनका इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू पिछली बार उनके पुत्र का हमने लिया तो पूछा। पुत्र का नहीं, पुत्र कौन है? वरुण सिंह नाम। तो कौन है वो, क्या है आप बताइए कि वो क्या है, मैंने आप चाहती क्या है? जो महिला से हम हारे हैं, जो जिला पार्षद से हम हारे हैं, उनका इंटरव्यू आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? क्या वजह है कि नहीं लेते हैं? हम जैसे भी हैं, हम बैसाखी का सहारा नहीं लेते हैं, हम जैसे भी आपके सामने देते हैं, गलत बोले सही बोले जो भी बोले बोलते हैं ना हम। आपको क्या लगता है वो बैसाखी का सहारा ले रहे हैं? नहीं, उनके जो पुत्र हैं वो ले रहे हैं। वो क्यों नहीं आती हैं सामने, मीडिया के सामने? क्या वजह है, रीजन क्या है, आप लोगों ने कभी पूछा उनसे? आई 2026 आने वाला है, बहुत करीब है, चुनाव होने वाला है, इतने दिनों में उन्होंने क्या किया? क्या अभी भी आपको मतलब जिला परिषद से मुंह भंग नहीं हुआ, जो क्षेत्र संख्या 33 है उससे मुंह आपका भंग नहीं हुआ? भंग की बात नहीं है, गलत पर आवाज उठाने की बात है। गलत है सो गलत है, हम हमारे हस्बैंड हमेशा गलत के मतलब खिलाफ होते हैं। एक सवाल है ज्योति सिंह जी की, क्या अगर आप विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे उसके बाद जिला परिषद को त्याग देंगे, उससे मुंह भंग हो जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो लड़ेगा उसका सपोर्ट करेंगे, अगर जीत गए तो। आप जीत जाएंगे तो छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। हार गए तो? हार गए तो कुछ ना कुछ तो सेवा में लगे रहना है, छोड़ेंगे तो नहीं जिला परिषद। हाँ तो लड़ेंगे, छोड़िएगा नहीं? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको समाज सेवा करने का जुनून सवार है तो किसी तरह करना। अच्छा ज्योति जी, एक मेरा सवाल है कि आप कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रही हैं, तो क्या कह करके लोगों से वोट मांगेंगी, क्या उनको कहेंगी, क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा, ये लोग जानना चाहते हैं। जी मेरा यही रहेगा कि मतलब हम जब से विधानसभा गुड़िया कोठी जब से विधानसभा बना है, तब से किसी भी महिला को सदन में जाने का मौका नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि एक बार महिला को मौका मिले, कि महिलाओं का सम्मान भी बढ़े, और जो महिला मतलब हमारे हम कोई भी महिला जाए, हम जाए या कोई और जाए, इससे मतलब महिला सबके अंदर मनोबल बढ़ता है, ठीक ना? हाँ, मतलब अभी तक तो पुरुष ही गए हुए हैं, और यहाँ देखा जाए तो सिर्फ रोड बिजली और छोटा मोटा काम कर देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं हुई। ये विकास नहीं, ये विकास है, लेकिन ये तो पुराने जमाने की विकास हुआ। नए जमाने में कौन सा विकास होना चाहिए? नए जमाने का विकास है कि आप IIT कॉलेज खोलिए, लड़कियों के लिए जिम खोलिए, मेडिकल क्या कहता है, मेडिकल कॉलेज खोलिए। अच्छा, मेडिकल कॉलेज खोलना पड़ेगा? क्यों नहीं खोल सकता? आप खोल दीजिएगा। क्यों नहीं खोल सकते? सिर्फ रोड बनवाएंगे, बिजली बनवाएंगे, ये इनार पोखरा ये सब काम करते रहेंगे जिंदगी भर हम लोग, क्यों नया विकास कीजिए ना। नया विकास में माने ज्योति सिंह अगर विधायक बन जाएगी तो मेडिकल कॉलेज खोल देगी, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देगी, IIT खोल देंगी? जरूर खुलेगा ये, माने खुल सकता है? क्यों नहीं खुल सकता है, करने से तो क्या नहीं हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप सदन में आवाज उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? आपको लगता है कि आपकी आवाज उठाने से सदन में IIT इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज गोरिया कोठी विधानसभा में खुल जाएगा? लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर, किसी ने बात कहा है कि खोजो तो भगवान मिल जाते हैं, ये तो मामूली सी बात है, आवाज उठाएंगे तो क्यों नहीं होगा। अच्छा, सड़क नली ये जो हो रहा है ये विकास, ये तो पुराना काम हुआ, ये बहुत पुराना काम हुआ। हमारे गोरिया कोठी में देखिए तो ये जो थाना बना है, चाहे हॉस्पिटल बना है, जो भी अभी छोटा मोटा जो कुछ बना है, हमारे जो पूर्वज थे कांग्रेस, उन्हीं के थ्रू बना है।
नया काम क्या हुआ है बताइए आप ही। नया काम लाइट जल गया चौक पर, खूब बढ़िया चमचमा रहा है। आपका तो एक लाइट जलने से सारे दुनिया वहाँ पर पहुँच जाएगा। बिजली भी हो गया, सड़क भी है, सड़क भी सभी सभी जगह बन गया है। तो वो बच्चों के लिए जिम नहीं बनना चाहिए, जो मतलब जो बाहर जाते हैं लड़का लड़की पढ़ने, आईआईटी कॉलेज नहीं खुलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए। एक लाइट लग गया वहाँ सारे लोग वहाँ पर जाकर आरती गाए। वो विकास नहीं है आपकी कहने, ये छोटा मोटा विकास हुआ, करना है तो कुछ बड़ा कीजिए। बड़ा तो ज्योतिष सिंह जी करेंगे। आप एक विधायक हैं, विधायक के पोस्ट पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ना भी चाहते हैं, और काम का करेंगे तो छोटा मोटा सड़क बनवाना, लाइट चलवाना, छोटा मोटा काम तो ये तो सब हमको तो लगता है कि ये मुखिया का काम है, जो लोग मुखिया करते ये आम लोग कर सकते, लेकिन नहीं करते। धांधली चल रहा है ना, क्या कीजिएगा। धांधली जो वर्तमान में विधायक हैं उनको 10 अंक में से कितना अंक देना चाहिए, आप कितना दीजिएगा? हमें से क्या मतलब है, आप बताइए ना। आप बताइए ना कि आप कितना दीजिएगा। हम तुम पत्रकार हैं, हम कैसे बता सकते हैं कई अंक देंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप बताइए। हम भी नहीं दे सकते, पब्लिक दे रही है ना उनको। अभी कुछ 10 में से कुछ अंक हम नहीं दे सकते हैं। क्या उनके काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है। क्या बात कर रही है? पब्लिक से जाकर पहले पूछिए, उसके बाद पब्लिक देगी उस पर हम डिसाइड कर लेंगे, ऑप्शन देंगे ना उस पर हम बता देंगे कि ये सही है। कुछ तो दीजिए 10 में से। अभी तो कुछ नहीं दे सकते, यानी जीरो। जीरो, 10 में से जीरो काम किए हैं। क्योंकि जो जिस इंसान के अंदर टैलेंट हो लेकिन अहम आ जाए उसको एक भी अंक नहीं मिलना चाहिए, हमारा सोच है ये। हम माने आपको आपको लगता है कि विधायक जी अहंकारी हैं? बहुत हैं। कैसे आपको नहीं लगता है? हमारे नजर तो लगता है कि सेवा करते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों का विकास करते हैं, दुख सुख में जाते हैं। कहां दुख सुख में जाते हैं, बिना गए वो जीत गए। किसी गरीब की झोपड़ी में कभी देखे उनका पोस्ट किया हुआ, बोलिए। बिना गरीब के झोपड़ी में गए जी। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर वो जाते हैं, मानते हैं आपकी, हम गलत हैं इस जगह, तो कभी किसी गरीब के झोपड़ी में उनका रहते हुए या पोस्ट किए हुए फोटो देखे हैं, कभी गए हुए देखे हैं किसी गरीब से? जो हमारे वर्तमान विधायक हैं वो गरीबों के द्वार पे, जो छोटे मोटे हैं लोग, मैंने आपके कहने का मतलब गरीबों के यहाँ नहीं जाते। आप जाकर पूछिए ना, आप पूछिए। वही गरीब आदमी ने उनको वोट दे करके जिताया है मैडम, वही ने सदन में भेजा है। इस बार क्या करेगा ये थोड़ी आप तय करिएगा, ये तो जनता ना तय। तो वही ना पूछ रहे हैं, अगर जाते तो उनका उनका उनके पास उनका मतलब आप पहले जनता से पूछ लीजिए ये बात, पूछिए उनसे ये बात कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं। उनको मौका दिया गया कि वो सेवा करे, उन पे लोग विश्वास किया तो वोट दिया। आप पूछ रहे कि वोट कैसे मिल गया? अगर हम ही को लोग वोट दे, हम ही धोखा कर दे तो लोग क्या करेंगे? अगली बार फिर हराएंगे। तो आपको नहीं लगता, जाकर पूछिए उन लोगों से कि विधायक जी कभी आपके हाल चाल तबीयत पूछने आए हैं, कुछ पूछने आए हैं आपके द्वार पे, 5 मिनट हो या 5 सेकेंड हो, 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। यानी आपके कहने का मतलब, रास्ते से उनकी गाड़ी गुजरती वहाँ कभी गरीब लोग गए, कोई बच्चा लग गया, वहाँ उतर कर उनका हाल चाल पूछे हैं। महिला में यही रोती है, मानते हैं कि एक पुरुष पुरुष से बात कर लेता है, लेकिन एक महिला अगर विधायक बन जाती है तो हजारों लड़कियों की तांता लग जाएगी। हम जहाँ जाएंगे वहाँ गाड़ी मेरी रुक जाएगी, लड़कियाँ हमसे दोस्त की तरह ट्रीट करेंगी, अपनी हाल बताएंगी। विधायक की तरह? विधायक की तरह नहीं, ये मेरा सोच है। और एक सोच मैं अभी भी अपनी बता दे रही हूँ कि जिस दिन मैं विधायक बन गई उस दिन मेरा एक पर्सनल नंबर चलेगा लड़कियों के लिए। आपका खुद का निजी नंबर? निजी नंबर हर मतलब हर लड़की के पास होगा, हर परिवार के पास होगा। जो आजकल ये सभी योजना चला रहे हैं, हर तरह का योजना चल रहा है, लेकिन मेरा एक योजना चलेगा उनकी शिक्षा के लिए। अगर शिक्षा में कोई भी उनको दुविधा होगी, कोई भी दुविधा, वो मेरे पास कॉन्टेक्ट करेंगे, हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आजकल शादी ब्याह धोखेबाजी का काम चल रहा है। लड़के लड़के मानते हैं कि माँ बाप शादी कर रहे हैं, लेकिन कोई रिलेशन वैसा अच्छा मिलता है, कोई गलत मिलता है। ये हम लागू नए पर करने वाले हैं, अगर जीत गए तो, नहीं जीते तो कोई बात नहीं हुआ। कि अगर जिस लड़की को सस्पिशन हुआ
मानते हैं कि उनके माँ बाप लड़का खोज दिए और सस्पिशन हो गया कि लड़का गलत है या सही है, जानना चाहती है, वो मेरे थ्रू कॉन्टेक्ट करेंगी, हम डिटेक्टिव रखेंगे, पता करके बताएंगे, पता करेंगे कि लड़का नीमन है कि नहीं है। अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि सबसे विधायकी होके शादी ब्याह कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लड़कियों के लिए स्पेशली ये चलेगा। मैंने लड़कों तो खोजवाएंगे ना, वो उन पे डिपेंड करेगा, हम सिर्फ बताएंगे कि वो गलत है या सही, उन पे डिपेंड करता है कि शादी करें या ना करें। यानी आप ये प्रयास जारी करें? ये प्रयास हम बिल्कुल जारी करेंगे कि किसी लड़की को तकलीफ ना हो, अच्छे घर में जाए, अच्छे घर में जाए, ये मेरी जारी रहेगी जीतने के बाद। तो देखिए, ये ज्योति सिंह जी थी और तमाम बातचीत हुआ इनसे, और तमाम बातचीत में ये एक बात निकल कर आया कि अगर हम विधायकी बनेंगे, विधायक अगर हम बन जाते हैं गोरियाकोठी से, तो रोड, नली, गली, सड़क ये तो एक आम बात है, विकास की एक छोटी सी कड़ी है, हम जीतेंगे तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आएंगे, IIT लाएंगे, मेडिकल कॉलेज लाएंगे। देखना बाकी है कि ज्योति सिंह जी का आगे का सफ़र कैसा रहेगा, हम अपडेट देने का प्रयास आप लोग तक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।